क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपका पेट डॉग है वो फैमिली में एक मेंबर के लिए तो इतना ज्यादा लविंग है कि जब भी वो आते हैं उनके पीछे 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 हर टाइम इसकी पूंछ हिलती रहती है, और यही दूसरा मेंबर को एक ऐसा मेंबर है जो कि थोड़ी सी ऊंची आवाज में भी बात करे तो ये उनको ग्रंट करना स्टार्ट कर देते हैं, गुर्र करके उनको पीछे करने की कोशिश करते हैं। या फिर आपके लिए तो आपका जो पेट डॉग है इतना ज्यादा लविंग है कि आपके हमेशा पास रहना चाहता है, और यही अगर कोई दूसरा कोई मतलब गेस्ट आ रहे हैं कोई और आ रहे हैं तो उनको देख के ग्राउल करना स्टार्ट कर देता है, गर करके उनको बैक ऑफ करने की कोशिश करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल, और आज हम डॉग्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और आपको पता चलेगा कि जो डॉग्स का अग्रेसिव नेचर है वो क्यों होता है, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। डॉग्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से एक थ्योरी है पैक मेंटेलिटी या फिर अल्फा डॉग साइकोलॉजी थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डॉग्स हैं वो पैक एनिमल्स हैं, पैक एनिमल्स का मतलब कि वो एक ग्रुप में रहते हैं। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जो आपके कम्युनिटी डॉग होते हैं जो बाहर मतलब गली में जो डॉग्स होते हैं, वो अगर सपोज कीजिए 5 डॉग्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो जो ये 5 डॉग्स हैं इन्होंने अपना एक रोल फिक्स कर लिया, एक हायरार्की फिक्स कर ली है। वो रोल और हायरार्की का क्या मतलब है कि जो 5th डॉग है वो ऊपर के 4 डॉग से डरेगा, जो 4th डॉग है वो 5th डॉग को तो डराएगा, 5th डॉग को तो डोमिनेट करेगा लेकिन ऊपर के जो 3 डॉग्स हैं उनसे डरेगा, जो 3rd डॉग है वो 4th और 5th डॉग को तो डराएगा लेकिन 1st और 2nd डॉग से डरेगा, ऐसे ही 2nd डॉग निचले सभी डॉग्स को डराएगा, 1st से डरेगा, और जो 1st वाला डॉग है वो सभी के ऊपर डोमिनेट करेगा। तो इस तरीके से ये अपना जो हायरार्की है ये बचपन में ही बना लेते हैं। बचपन में कैसे बनाते हैं, अगर बचपन में आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो पपीज होते हैं वो आपस में खेलते हैं, खेलने के वक्त वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, बाइट करते रहते हैं, अपना वो एक्टिविटी करते रहते हैं। इस एक्टिविटीज के दौरान ही वो अपना जो हायरार्की है इसको मेंटेन करते हैं, इसको बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, अगर आपने अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो जो पपीज खेलते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि एक ऊपर चढ़ गया, नहीं वो फिर दूसरा ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे वो थोड़ा टाइम करते हैं, उसके बाद जो एक डॉग होता है वो हार मान लेता है, वो अपने आप को सबमिसिव कर देता है, वो ऐसे लंबा लेट जाता है अपने लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ करते हुए, और जो दूसरा डॉग है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डॉग नीचे लेट गया, जिसने अपनी लोअर पार्ट को एक्सपोज कर दिया दूसरे डॉग के लिए, तो वो जो डॉग है जो नीचे है उसने अपने आप को सबमिसिव कर दिया है दूसरे डॉग के लिए, और जो दूसरा डॉग है वो उसको डोमिनेट करता रहेगा। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, जो ये डोमिनेंस और सबमिसिवनेस का जो ये गेम होता है, ये वो बचपन से ही शुरू कर देते हैं, और बचपन से ही ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब आप अपने पेट को घर पे ले आए हो, उसका जो पैक है, उसका जो मेंबर्स है वो आप लोग हो, आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो उसके पैक मेंबर्स हैं। तो बचपन में जब वो आया है वो सबके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। तो वो क्या करेगा, जैसे वो जैसे आप उसको अगर अप्रोच कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, खेल भी रहे हो, वो आपको ग्रंट करेगा, मतलब ग्राउल करेगा ऐसे ग्रर करके, या आपके साथ अग्रेसिवली खेलने की भी कोशिश करेगा, है तो वो सभी चीज़ें एक प्लेफुल नेचर, वो अपनी तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी डोमिनेंसी भी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर उस टाइम पे आपने वो जो डोमिनेंसी उसकी बनाने दे दी, मतलब अगर वो आपको ग्राउल कर रहा है और आप डर के पीछे हो गए, तो दैट मीन्स आपने उसको अपने ऊपर डोमिनेट करने का मौका दे दिया। यहीं पे अगर आप वो आपको ग्राउल कर रहा है एंड आप वहाँ पे फर्मली खड़े हैं, वहाँ पे खड़े रहकर उसको ऊंची आवाज में कमांडिंग वॉइस में नो इस तरीके से आप उसको बोल रहे हैं, तो इससे उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो आपके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता है, उसको आपके आगे सबमिसिव रहना पड़ेगा। अब फैमिली में सभी मेंबर्स अलग अलग हैं, सभी मेंबर्स का अपना रोल है, तो कुछ मेंबर्स तो ऐसे डांट देते हैं कि नो ये क्या कर रहे हो, कुछ मेंबर्स डर के पीछे हट जाते हैं, तो यहीं से ही वो सारा रोल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो तो मेंबर्स डर के पीछे हट रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए, जैसे शुरुआत का आप कह 6-8 महीने होते हैं, मैक्सिमम 8 महीने मैं कहूँगा, जिसमें वो अपना ये रोल्स बना लेते हैं। अब अगर स्टार्टिंग में ये 6-8 महीने आप उसे डरते रहे, वो डर के पीछे होते रहे, तो आपने उसको एक अपने ऊपर डोमिनेट करने का पावर दे दिया है। अब अगर आप वहाँ पे फर्मली खड़े हैं, उसको नो कमांड दे रहे हैं, दैट मीन्स कि अब वो आपके सबमिसिव होगा, मतलब आप डोमिनेट कर गए हो, वो सबमिसिव हो गया है। अब सबमिसिवनेस और डोमिनेंस का ये बेनिफिट होता है कि जहाँ पे डॉग सबमिसिव हो जाता है जिस मेंबर को लेके, तो वो उस मेंबर के लिए बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए उसको प्लीज करने की कोशिश करता रहेगा। जब भी वो मेंबर आएगा, वो जो हमारा पेट डॉग है वो उनके आसपास उसकी पूंछ हिलती रहेगी, उनको खुश करने की कोशिश करता रहेगा। यहीं पे अगर कोई दूसरा मेंबर है जिसके ऊपर आपका पेट डॉग डोमिनेट कर रहा है, अगर वो आसपास है तो वो उसको प्लीज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा, वो बैठे हुए हैं अगर वो है तो, इवन कि एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है वो बिल्कुल परवाह नहीं करते, आप आए हो गए हो कुछ नहीं, वो अपने आराम से बैठे हुए हैं। अगर आप वही अगर आप डोमिनेट मेंबर हो तो वो अगर आप आए वो आपके पास डेफिनेटली आएगा और आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा।
तो ये सारी चीजें आपको बचपन से ही ट्रेन करना जरूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी पेट अपनी 3 मंथ्स की एज को कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसकी डॉग ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दीजिए। अब डॉग ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमको उसको कमांड सिखानी है कि वो सिट स्टे डाउन, ये कमांड सिखानी है, ये तो एक बाय प्रोडक्ट है, ये तो वो सीखेगा ही सीखेगा। लेकिन ट्रेनिंग करवाने का मतलब ये होता है कि एक तो वो डिसिप्लिन रहते हैं, ओबीडियंट रहते हैं आपके लिए। अगर वो आपके कहे में रहते हैं, आप कुछ भी उसको कमांड दे रहे हो, आप उसको रुकने को कह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपकी बात सुनेगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी है। अब ट्रेनिंग के लिए एक अलग थ्योरीज आ जाती हैं जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरीज। उसमें क्या होता है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। वो अपने आप एक अलग चैप्टर है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि डॉग्स की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, एंड उसके लिए आप अपने डॉग को अपने ऊपर डोमिनेट करने से कैसे रोक सकते हो, एंड उसको अपने कहे में कैसे रखना है आपको।